हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं लेके आई फिर से एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हो, जो एक जो कमेंट है आपका जो बार बार आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद नीचे कब बैठ सकते हैं, और जो एक और जो सवाल आप लोग पूछते हो कि इंडियन टॉयलेट कब से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए, अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और कुछ दिन पहले ही जो मेरा छोटा बेटा है दक्ष, उसका मुंडन हुआ है। वो 11 मंथ्स का कंप्लीट हो गया है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो वो व्लॉग हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो आप जाके ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद नीचे कब बैठ सकते हैं। नीचे बैठना मतलब कि आप एक छोटे स्टूल पर भी बैठ सकते हो, वो तो आप इजिली कर सकते हो, और आप फ्लोर पे यानी कि नीचे ज़मीन पे कब बैठ सकते हो। तो ये आप जब आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी आपको लग रहा है आप नीचे बैठना चाहते हो, आप बैठ सकते हो। अगर आपके स्टिचेस में कोई पेन नहीं है, कोई आपको डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आप आराम से नीचे बैठ सकते हो ज़मीन पे। और जब आपको नीचे बैठना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बेबी को हाथ में लेकर के, गोद में लेकर के नहीं बैठना है नीचे। आप किसी के सहारे या तो कोई चेयर टेबल, कोई भी फर्नीचर, बेड पकड़ के उसके सहारे से सहारा लेके आप नीचे बैठ सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे खुद से बैठने की कोशिश करोगे ना तो बहुत जोर आता है। तो वैसे मत करो, आप किसी का सहारा लेकर के नीचे बैठ सकते हो। और उठते टाइम भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी को गोद में लेकर के नहीं उठना है, और साथ ही कोई सहारा लेकर के आपको उठना है। लेकिन अगर आपको कंफर्ट आ रहा है कि आप खुद से नीचे बैठ सकते हो, खुद से उठ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप नीचे बैठ सकते हो। इसमें ऐसे कुछ मतलब ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि हाँ इतने दिन तक आपको बेड रेस्ट ही करना है, या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आपका मन करे, जब आपको कंफर्ट फील आए, तब आप नीचे बैठ सकते हो। आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना है, कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप नीचे बैठ रहे हो सकता है घर में कोई बोल देता है कि हाँ नीचे बैठो तो जल्दी हीलिंग होगी, ऐसी बहुत सी बातें होती है हर घर में, अलग अलग बातें। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेन करके नीचे बैठना है। अगर आपको कंफर्ट आ रहा है तो आप आराम से बैठिए, जितनी देर मर्जी बैठिए। लेकिन अगर नहीं, आपको खिंचाव महसूस होता है, स्टिचेस में पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो आप अवॉइड कीजिए जब तक आपको जो पेन है स्टिचेस का वो पूरी तरह से चला ना जाए। ये सब जो बातें हैं ना, ये डिलीवरी के बाद सबके मन में आती है। मेरे मन में भी आती थी कि जब घर पे आए हैं तो उसके बाद यार इस पोजीशन में लेट सकते हैं, स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, यार ऐसे उठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, नहाते टाइम यार ऐसे नहा सकते हैं। तो ये सब बातें माइंड में आना नॉर्मल है, कि हर कोई चाहता है कि स्टिचेस में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन ना हो, हम जल्दी से हील हो जाए। जैसे कि डिलीवरी के बाद कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कि घी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, खट्टे फल खा सकते हैं, तो इन सब पे भी मैंने एक अलग से वीडियो किए हैं, डेडिकेटेड वीडियो, कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद घर का काम कब से कर सकते हैं या सीढ़ियाँ कब से चढ़ सकते हैं। तो इन पे आपको मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो, और मैं आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद इंडियन टॉयलेट कब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ऐसे इसमें भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, जब आपको कंफर्ट फील आए तब आप कर सकते हो। कुछ लोग जो मैंने देखा है कि हॉस्पिटल से आने के बाद ही यूज़ कर लेते हैं। आपको बस ये है कि आपको उस पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। अगर आपके घर पे वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, इंडियन टॉयलेट ही है, तो आपके पास देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ऑप्शन हो सकता है, आगे हम बात करेंगे, तो आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, बस आपको स्ट्रेन नहीं करना है, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, और उस पोजीशन में आपको ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको फाइबर ज़्यादा लेना है, फ्रूट ज़्यादा खाना है, सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, छिलके वाली दालें खानी है, और सबसे ज़रूरी पानी ज़्यादा पीना है, कि आपको स्ट्रेन ना करना पड़े, आपको उस पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना बैठना पड़े। तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कंफर्ट नहीं आ रहा है बैठने में, आपको पेन हो रहा है स्टिचेज में, अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है स्टिचेज में, जलन हो रही है, आपको कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, क्योंकि इनिशियल डेज में डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक ये पेन रहता है, 8-10 दिन तक भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता हो। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि जो चेयर आती है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाती है, वो आप यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना है आपको, आप ट्राई करो नॉर्मल पोजीशन में बैठने का, क्योंकि आपको चेयर को हैबिट नहीं बनाना है।
वैसे ये भी कहा जाता है कि अगर सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप जितना एक्टिव रहोगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी, उतनी फास्ट हीलिंग होगी आपकी। लेकिन एक्टिव रहने का मतलब ये भी नहीं है कि सभी काम करने लग जाओ, सब कुछ अपने आप से करने लग जाओ। मतलब ये है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है होता है, जैसे आपको अगर उठना है तो पेट पकड़ के साइड करवट लेकर के उठना है, बैठना है तो आराम से धीरे से बैठना है, ज्यादा झुकना नहीं है, मतलब पूरी तरह से जैसे खड़े होके हम नीचे से कुछ उठाने लगते हैं तो वो इतना ज्यादा आपको स्टार्टिंग में नहीं झुकना है और वेट नहीं उठाना है। इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर आप घर में टहल सकते हो, अपने रूम में टहलो, बाहर बालकनी में कहीं भी, तो ये जितना आप एक्टिव रखोगे खुद को उतनी हीलिंग फास्ट होती है। जहां तक बात है इंडियन टॉयलेट यूज करने की, आप हॉस्पिटल से आने के बाद भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई पेन डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप 10 दिन का टाइम ले सकते हो, 15 दिन का, 20 दिन का, जब तक आपके स्टिचेस में पेन नहीं है, आपको उस पोजिशन में बैठने में बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, कुछ पेन फील नहीं हो रहा है, कुछ खिंचाव फील नहीं हो रहा है, तो आप आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है स्टार्टिंग में होगा, लेकिन अगर ज्यादा पेन है, आपको लग रहा है कि नहीं स्टिचेस बहुत ज्यादा खिंच रहे हैं या अंदर कुछ आपको पेन फील हो रहा है, तो आप चेयर यूज कर सकते हो। इसके लिए भी कोई टाइमलाइन नहीं है कि सिजेरियन डिलीवरी के 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, ये जैसे कहा जाता है कि 40 डेज का रेस्ट है तो 40 दिन के बाद ही आपको इंडियन टॉयलेट यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके ऊपर है कि जब आप अच्छा फील करो, जब आप कंफर्ट फील करो, तब आप कर सकते हो। जब तक आप कंफर्ट फील कर रहे हो तब तक आप सब कर सकते हो। बस अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना, इतना ध्यान रखना है कि मतलब जबरदस्ती नहीं करनी है खुद के साथ कि उन्हें पेन हो रहा है लेकिन नहीं चलो हम करके देखते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में पेन हो, तो ये सब नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पेन थोड़ा डिस्कम्फर्ट अगर हो सकता है आप थोड़ा अवॉइड करो या इग्नोर करो कि कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होगा ही, हम ये काम कर लेते हैं, हो सकता है कि पेन थोड़ा बढ़ जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो इस नीचे एक लाइक बटन दिया है, जल्दी से उसे क्लिक कीजिए। उसके साइड में आपको एक सब्सक्राइब बटन भी दिखेगा रेड कलर का, उसे भी जल्दी से क्लिक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर भी मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, या आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।